लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन मूवी में किसने मारी बाजी, कौन रह गए पीछे, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों 11 अगस्त को आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन रिलीज हुई थी। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कलेक्शन कर रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के चार दिनों की कलेक्शन की। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले बात की जाए आमिर खान करीना कपूर स्टारर लाल सिंह चड्ढा की, जिसको इंडिया में 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म का बजट 180 करोड़ का है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो पहले दिन अपने ओपनिंग डे पे फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया था। दूसरे दिन फिल्म ने 7 करोड़ 25 लाख की कमाई की थी। तीसरे दिन 9 करोड़ कमाए, वहीं चौथे दिन यानी कि आज के दिन 13 करोड़ का कलेक्शन इंडिया से करने वाली है। तो दोस्तों लाल सिंह चड्ढा का पहले चार दिनों का इंडिया से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ 41 करोड़ 25 लाख का। वहीं बात की जाए फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन की, तो फिल्म ने ओवरसीज से 14 करोड़ की कमाई कर ली है। तो दोस्तों फिल्म का 55 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहले चार दिनों का हो चुका है। अब दोस्तों वहीं बात करूं अक्षय कुमार स्टारर रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन फिल्म जनता को काफी पसंद आ रही है, ये फिल्म हिट हो जाएगी। इस फिल्म से पहले अक्षय कुमार की काफी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, बट अक्षय कुमार ने अच्छा कमबैक किया इस फिल्म से। बात करूं रक्षाबंधन की कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दूं फिल्म का बजट 70 करोड़ का है। बात करूं स्क्रीन की, तो इंडिया में 2500 स्क्रीन पे ये फिल्म रिलीज की गई थी। बात करूं फिल्म की कलेक्शन की, तो पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे 8 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया। वहीं दूसरे दिन फिल्म ने कमाई की 6 करोड़ 40 लाख की। तीसरे दिन फिल्म ने 7 करोड़ का कलेक्शन किया था, और वहीं चौथे दिन यानी कि आज के दिन 9 करोड़ की कमाई कर रही है फिल्म। तो टोटल रक्षाबंधन के चार दिन का कलेक्शन हुआ 30 करोड़ 60 लाख, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से हो चुका है। और वहीं बात की जाए ओवरसीज की, तो ओवरसीज से भी फिल्म ने 5.5 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। तो फिल्म रक्षाबंधन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ चार दिनों का 36 करोड़ हो चुका है। तो दोस्तों आपने टोटल कलेक्शन देख लिया रक्षाबंधन का और लाल सिंह चड्ढा का। तो वही बात की जाए अक्षय कुमार की रक्षाबंधन की, तो लग रहा है कि अक्षय कुमार की रक्षाबंधन सुपरहिट हो जाएगी। एक दो दिन में ही ये फिल्म अपना पूरा बजट कर लेगी। और वही बात की जाए लाल सिंह चड्ढा की, तो उसे मुश्किल होगी अपना पूरा बजट करने में। अब मंडे के बाद ही पता चलेगा कि लाल सिंह चड्ढा का क्या होने वाला है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सी मूवी क्लैश जीत जाएगी, लाल सिंह चड्ढा या रक्षाबंधन, और आपको कौन सी मूवी पसंद आ रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें।